मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। Hey guys, welcome back to my channel. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जो भी अपडेट्स आते हैं वो हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाते हैं, तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाल ही में कुछ इंसिडेंट्स के कारण फिल्म ट्रिपल आर के फैंस डिस्टर्ब हो गए थे। वे चाहते थे कि नेपोटिज्म की वजह से फिल्म में से आलिया भट्ट बाहर हो जानी चाहिए। इसी बात पर दो बड़े र्यूमर सुनने में आ रहे थे। पहला ये कि फिल्म से आलिया भट्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा और फिल्म में नई हीरोइन को कास्ट किया जाएगा और फिल्म की कुछ शूटिंग फिर से होगी। दूसरा बड़ा र्यूमर ये है कि फिल्म में आलिया भट्ट की जगह प्रियंका चोपड़ा को लिया जाएगा, पर इस बात को लेकर तो फैंस और ज्यादा निराश हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रियंका चोपड़ा और रामचरण की जोड़ी फिल्म जंजीर में दिखाई दी थी, जो फैंस के हिसाब से कंप्लीट फ्लॉप जोड़ी थी। इसलिए फैंस रामचरण और प्रियंका को साथ में फिर से नहीं देखना चाहते हैं। पर गाइस, इन सब की बात पर फिल्म ट्रिपल आर के पीआर डिपार्टमेंट और आलिया भट्ट की तरफ से पूरा क्लेरिफिकेशन आ गया है। ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि फिल्म में आलिया भट्ट ही नजर आएंगी और वो जल्दी ही अपनी शूटिंग फिर से शुरू करेंगी जैसे ही शूटिंग चालू हो जाएगी। खबर है कि आलिया इस फिल्म को 2021 में शूट करेंगी, तब तक रामचरण और जूनियर एनटीआर और अजय देवगन के सीन शूट होंगे। फिलहाल आलिया इस फिल्म के लिए तेलुगु लैंग्वेज सीख रही है। हालांकि फैन सोच रहे हैं कि ट्रिपल आर में आलिया भट्ट को कास्ट करना एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है फिल्म के लिए, क्योंकि सड़क 2 का ट्रेलर अब तक का मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर बन चुका है और उसमें काफी ज्यादा हेट्रेड भी दिखाया जा रहा है। वहीं अब फिल्म पर और ज्यादा हेट दिखाया गया है। सड़क 2 अब तक की सबसे लो रेटेड फिल्म बन चुकी है। IMDb पर इस फिल्म को केवल 10 में से एक रेटिंग दी गई है। हालांकि राजमौली अपने फैसले पर पूरे अटल हैं कि वह बिल्कुल भी आलिया भट्ट को किसी भी तरह से रिप्लेस करने के कोई भी विचार में नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने आलिया के कैरेक्टर को आलिया को दिमाग में रखकर ही बनाया था। फिल्म क्रिटिक्स का तो ये भी मानना है कि ट्रिपल आर आलिया भट्ट के लिए एक फेट चेंजर, यानी ये फिल्म आलिया भट्ट के करियर को उनके टैलेंट की वजह से वापस ट्रैक पर ले आएगा और फैंस के दिलों में आलिया भट्ट के लिए वही जगह वापस बन जाएगी। अब इस मूवी में आलिया भट्ट को देखकर फैंस का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे गाइस, आपको क्रिटिक्स की इस सोच पर क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फॉर मोर गुड कंटेंट कीप वाचिंग नो बॉट ऑल। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।